हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर संदीप गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, SIRTE. सो इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सर्कुलर वाटर टैंक रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड. इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंज टैंक और एलिवेटेड टैंक. एलिवेटेड मतलब दैट मीन्स द एलिवेटेड टैंक. एलिवेटेड टैंक एलिवेटेड दैट मीन्स द हाइट ऑफ समथिंग, हाइट ऑफ द ग्राउंड. In a previous class, we are discussing the types of the water tank, that means the resting on the ground, another tank in underground, and elevated water tank. So this is the type of the elevated water tank. Yes. So we have one problem theory already discussed in the previous classes. In this class, we are discussing the design, directly design problem. Problem of design. The question given: the inner diameter of an inch tank are shown in figure. Design top dome, top ring beam, and side wall. Use M25 concrete and Fe415. These are design problem and the given data. आप लोगों को इंच टैंक डिजाइन करना है. इसमें आपको कुछ पार्ट से डिजाइन करना है. The part of the tank is top dome. That is a second one is called as the ring beam B1, and third one is called as the side wall of a water tank. Yes, on the basis of the M25, some these are numeric value. Is the fixed and shed and that value given in the IS code. So sigma cc 6 newton per mm square, sigma ct 1.3 newton per mm square, sigma cbc 8.5 newton per mm square. Already in the previous class we are discussing what the meaning of this all term. So Fe415, on the basis of Fe415, sigma st is equal to 130 newton per mm square, that we are calculating the small m is a modular ratio, 280 upon 3 sigma CVC. On the basis of the concrete grade, the value of the CVC 8.5. So the value of M, this is the modular ratio, is 11. Okay. Design of top dome. Firstly, we are designing the top dome. Question is given, the diameter of the water tank is 13 meter. Question is given, diya humko diameter kitna 13 meter. On the basis of question and the rise of top dome. Aap log question mein dekh rahe hain drawing jo bana hua hai isme. तो हमको राइट टॉप डोम का राइजर जो टॉप डोम का राइज दिया हुआ है 1.7 मीटर. ओके, इन द बेसिस ऑफ फर्स्टली वी आर एज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द डोम एज 75 mm. ये मैंने एज्यूम कर लिया जो डोम का थिकनेस हो 75 mm है. आप लोग और भी 75 से 100 mm तक एज्यूम कर सकते हैं इसको. एंड डिजाइनिंग इट्स यूजिंग मेम्ब्रेन एनालिसिस. वन थिंग इज दैट इन द क्लियर इन द प्रीवियस क्लास, व्हाट इज द मेम्ब्रेन एनालिसिस. इन द मेम्ब्रेन एनालिसिस हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, जो आपका टॉप डोम है वो सेपरेट है किससे, सिलेंडर की साइड वॉल से. दिस इज द मेम्ब्रेन एनालिसिस. सो अपार्ट फ्रॉम वी आर कंसीडरिंग द लोड ऑन डोम, डोम दैट इज एक्ट लाइक अ स्लैब. तो डोम हम लोग कितना लेंगे नॉर्मल लोड इस पर, 1.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया. इफ आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द डोम दैट वी आर हैविंग द फॉर्मूला इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग और राइटिंग दिस फॉर्मूला, dy2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r माइनस h इनटू h. H आपको क्वेश्चन ने गिवन है 1.7, dy2 दैट मींस द होल डायमीटर ऑफ टैंक 13, तो dy2 दैट मींस 6.5, 2r, r रेडियस जो हमको कैलकुलेट करनी है, माइनस 1.7, H आपको राइज दिया गया है. इससे हम लोगों ने क्या वैल्यू कैलकुलेट कर ली, r कर लिया, r इज r क्या रेडियस ऑफ द टॉप डोम. तो ये आ गया आपका r इज इक्वल टू 13.27 मीटर. ओके, सेल्फ वेट ऑफ डोम, सेल्फ वेट वही वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, थिकनेस हम लोगों ने 75 लिया था, तो आपका 0.775 इनटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 25 आ गया आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लाइव लोड ऑन डोम 1.5 जो कि हम लोगों ने एज्यूम किया था 1.5, टोटल लोड दोनों को ऐड कर दिया आप लोगों ने सेल्फ वेट और लाइव लोड, तो आपका आ गया 3.375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट वी आर कैलकुलेट सेमी सेंट्रल एंगल थीटा इज कैलकुलेटेड एज बिलो. सेमी सेंट्रल एंगल, देखिए मैंने यहाँ पर ये साइड में एक डायग्राम, फ्री वॉल डायग्राम बनाया, वहां से हमने उठाया इसको. तो ये डायमीटर और ये थीटा एंगल बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज अ रेडियस आर. यहाँ पर हम लोग साइन थीटा लगाएंगे तो क्या रहेगा, 6.5 दिस वैल्यू एंड अपॉन आर. आर हम लोग पहले निकाल चुके हैं, अभी ऊपर मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड से दिखाया था 13.27. तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द थीटा. थीटा क्या आ गया आपका 29 degree 20 minute. थ्योरी में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर आपका एंगल, this is the value of the theta, more than 51 degree 50 minutes आएगा, that is the hoop tension. अगर this value is less than 51 degree 50 minutes, so we are called the hoop compression. So this is the case of the compression, because the value of the theta is less than 29 degree 20 second. Yes,
सेकेंड नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों लिखा था मैरीडोनल थ्रस्ट. मैरीडोनल थ्रस्ट के फॉर्मूला लिखवाया था आपको डब्ल्यू आर अपॉन वन प्लस कॉस थीटा. सारे वैल्यूज आपको पता है, डब्ल्यू पता है, आर पता है, थीटा पता है, तो यहां से आप लोगों को क्या कैलकुलेट हो जाएगा, मैरीडोनल थ्रस्ट. दिस इज द मैरीडोनल थ्रस्ट 23.93 किलो न्यूटन पर मीटर. दिस इज द मैरीडोनल थ्रस्ट. अब मैरीडोनल स्ट्रेसेस, लोड पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस आपका आ गया 23.93 एंड लोड एरिया, थिकनेस आपका वाटर टैंक 0.075 इज इक्वल टू 319 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये आ गया आप लोगों का मैरीडोनल स्ट्रेसेस. फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे हुप कंप्रेशन इज मैक्सिमम. आपका हुप कंप्रेशन वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द थीटा गिव द जीरो. हुप कंप्रेशन का मैंने आपको फॉर्मूला राइट करवाया, डब्ल्यू आर टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. इन दिस फॉर्मूला पुटिंग द वैल्यू ऑफ द थीटा इज इक्वल टू जीरो. डब्ल्यू पता है आपको, आर पता है, टोटल वेट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, आर रेडियस कर्वेचर का हम लोग कैलकुलेट किया है, तो इससे हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, हुप कंप्रेशन कैलकुलेट हो जाएगा. सेम हुप स्ट्रेस पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट, स्ट्रेस आपका 22.4, थिकनेस 0.075 कैलकुलेट किया आ गया. हैंस सेफ, सेफ क्या है, उसको कन्वर्ट किया, अगर स्ट्रेस का वैल्यू आई स्कोर रिकमेंड करता है 10 से कम आते हैं, वेरी लेस आ रहे हैं 10 से, तो फिर ये लोग सेफ है. मतलब हम लोग फिर कंप्रेशन बहुत ज्यादा आ नहीं रही, स्ट्रेस ज्यादा नहीं आ रही, तो बहुत ज्यादा हम लोगों को एसटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है भाई इसमें. तो फिर उसने क्या बोला, देखिए साफ साफ लिखा हुआ, स्ट्रेसेस आर विद इन दी परमिसेबल लिमिट, मिनिमम रीइंफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड. व्हाट इज मिनिमम, अगर आप लोग वाटर टैंक या कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना जो अंडर वाटर बॉडी कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो मिनिमम 0.35% आपको एसटी प्रोवाइड करना ही है. तो मिनिमम हम लोगों ने एसटी प्रोवाइड कर दिया 0.35%. परसेंटेज हटाया, 100 डिवाइड टाइम्स ऑफ 1000 इनटू क्या हुआ, डिवाइड 2, तो यहां से फिर कितना आ गया हमारा, 132 mm स्क्वायर. कैलकुलेशन लिख देंगे लास्ट में एक लाइन, हेंस प्रोवाइडिंग 8 mm डाया बार एट द रेट ऑफ 200 mm सेंटर टू सेंटर इन बोथ द डायरेक्शन इन द सर्कमफरेंशियल एंड मैरीडोनल डायरेक्शन. तो दिस इज अ डिजाइन ऑफ द टॉप डोम. नेक्स्ट आपका इसमें एक और पूछा है क्वेश्चन है टॉप रिंग बीम. रिंग टॉप रिंग बीम की बात करेगा तो सीधी सीधी कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है, दिस इज वी आर सीइंग दी और वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी टॉप रिंग बीम V1. सिंस द डोम इज नॉट हेमिस्फेरिकल, द मैरीडोनल थ्रस्ट एट द बॉटम ऑफ द डोम इज नॉट वर्टिकल, सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द थ्रस्ट विच कॉजेज हुप टेंशन विच इज टेकन बाय द रिंग बीम. तो यहां से आपको क्या क्लियर हुआ, वहां पर मैंने आपको देखा था जब डोम का जो लोड बीम पर आएगा तो उसको इंक्लाइंडली उसको हमने रिजोल्व किया था, तो वर्टिकली किसको छोड़ के हॉरिजॉन्टली उसका ले रहे हैं कंपोनेंट हम लोग. तो मैरीडोनल थ्रस्ट टी कैलकुलेट कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, देखिए टी कॉस थीटा, तो टी हम लोग कैलकुलेट कर चुके ऊपर, कॉस थीटा मतलब थीटा की भी कैलकुलेट कर चुके 29 degree 20 minutes. ये रहा आपका टी कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20.9 किलो न्यूटन पर मीटर. हुप टेंशन फॉर्मूला है टी कॉस थीटा डीवाई 2, ये हम लोग लिख चुके हैं इनकी थ्योरी में. तो टी कॉस थीटा डीवाई 2 इसको वैल्यू पुट किया, वैल्यू आ गया अपना 135 किलो न्यूटन. एरिया ऑफ स्टील फॉर्मूला पता है आप लोगों को, हुप टेंशन अपॉन सिग्मा एस टी. मतलब कि अगर इसके फॉर्मूला की बात करूं तो क्या लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला में, टी इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी. तो ए एस टी अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा आपका, टी अपॉन सिग्मा एस टी, दैट इज अ फॉर्मूला. टी हुप टेंशन सिग्मा एस टी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एफ ई 415 130 लेते हैं. तो यहां से आप लोगों का स्टील आ गया, जब स्टील आ गया तो फिर क्या लिखा हम लोगों ने, बीम है चूंकि, तो 20 mm 5 बार प्रोवाइड कर देंगे. बीम है तो नंबर ऑफ बार निकलेंगे, नंबर ऑफ बार निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल ए एस टी अपॉन स्मॉल ए एस टी. कैपिटल ए एस टी आपने निकाला 1045, स्मॉल ए एस टी 315, तो नंबर ऑफ बार वी आर प्रोवाइडिंग दी 4. सो ए एस टी प्रोवाइडेड आपका आ जाएगा 1256, ऑलवेज मोर देन ए एस टी रिक्वायर्ड. ओके, एक ये चेक हम लोगों ने स्ट्रेस का लगाया था, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ये चेक का फॉर्मूला होता है, दैट मीन 1.3 मोर एंड इक्वल टी अपॉन ए प्लस एम माइनस 1 इंटू ए एस टी, दैट इज अ फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया तो हम लोगों ने क्या देखा, जो आपका ए यहाँ पर अननोन है, दैट मीन द साइज ऑफ द बीम, इसका बीम का साइज जो है वो मोर देन कितना होना चाहिए आपका, 91,980 mm square. So, therefore, we are providing the ring beam size 500 into 200. अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 into 200 का, तो मल्टीप्लाई जो हमारा A more than लिखा हुआ ना हमने 91, तो देखो आप लोग 91,000, मतलब 1 lakh के आसपास इसका एरिया है, that means the beam safe है. तो हम लोगों को इससे ज्यादा एरिया वाला बीम आपको प्रोवाइड करने का, जो बीम का साइज होगा, तो हमने दे दिया 500 into 200 mm.
विथ 4 बार ऑफ 20 mm इन एडिशनल। अब बार दिए तो इनको हमको बांधना भी पड़ेगा भाई, तो इनको एडिशनल बांधने के लिए हम लोग क्या करेंगे फिर, प्रोवाइडेड 8 mm 5 स्ट्रिप एट द रेट ऑफ 250 mm सेंटर टू द रिंग व्यू। क्लियर है भाई? इसके बाद देखिएगा आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में, डिजाइन ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल, डिजाइन ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल, हुप टेंशन, ये लिखा हुआ आप लोगों का हुप टेंशन एट द बेस ऑफ टैंक गामा एच डी वाई टू, गामा एच डी वाई टू, गामा का वैल्यू रखा, एच आपका टैंक का वॉल दिया हुआ 5.5, डी 13.13 डिवाइड बाई टू, सॉल्व किया तो आपका क्या आ गया, हुप टेंशन एट द बेस ऑफ टैंक। तो यहां से हम लोगों को मिल गया हुप टेंशन का वैल्यू। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, वही सेम फॉर्मूला आपका, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड क्या होता है भाई, टोटल आपका वैल्यू, टोटल टैंक का जो हमने हुप टेंशन लिया डिवाइड बाय सिग्मा एसटी, तो यहां से आपको क्या मिल गया, ये एएसटी मिल गया 22754 mm². फिर लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन है, हम लोग एक तरीका है, अभी क्या तरीका है, या तो आप लोग इस पूरे एरिया को थ्रू आउट पूरी वॉल्स पे दे दिए, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं टैंक डिजाइन करते हैं तो आप लोग इमेज कर पा रहे हैं कि टैंक के टॉप पर जो प्रेशर होगा वो मिनिमम होगा, फिर जैसे जैसे उसकी डेप्थ बढ़ती जाएगी प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि वाटर को हम लोग लेयर में मानते हैं, तो जैसे ही आप लोग टैंक के बॉटम में आएंगे वहां पर सबसे ज्यादा दैट मीन द मैक्सिमम प्रेशर होगा। एक टेबल मैंने शो किया, अगर आप चाहें तो, जैसे एट द टॉप ऑफ द हाइट 0, तो वहां पर ना हुप टेंशन होगा और एएसटी देने की जरूरत नहीं है। फिर टैंक की हाइट अगर 2 मीटर तक है तो वहां पर हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे, क्योंकि हाइट वैल्यू चेंज हो गई तो टी चेंज हो जाएगा, टी चेंज हो गया तो एएसटी चेंज हो गया। फिर 4 मीटर पर निकाला हुआ है और ऐसी आपका लास्ट जो टोटल हाइट है उस पर निकाला हुआ है। सो प्रोवाइडिंग स्टील ऑन बोथ फेस एंड यूजिंग 16 mm 5R, स्पेसिंग निकाल दिया हम लोगों ने, ये देखिए स्पेसिंग का फॉर्मूला आपको पता हुआ है, स्मॉल एएसटी 1000 अपॉन कैपिटल एएसटी, तो दैट इज अ स्पेसिंग, तो हेंस प्रोवाइडिंग 16 mm 5R एट द रेट ऑफ 140 mm सेंटर टू सेंटर फ्रॉम द बॉटम टू द डिस्टेंस ऑफ आर बोथ द फेस। क्लियर है भाई? और ये आप लोगों का डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट है।